बिहार में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने जब से बिहार में प्रजनन दर में गिरावट आने की जानकारी सदन को दी है, तब से ही बयानों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो अपने बयान से तहलका ही मचा दिया है। एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हुए विधायक ने कहा कि उनके लोग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गंभीर नहीं है, वो लोग नसबंदी नहीं कराते हैं। भाजपा विधायक के इन आरोपों के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। राजद ने एनडीए नेता के इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो बड़े नेताओं का और सर्वदलीय बैठक करके इस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाले लोग उस टारगेट एक संप्रदाय के लोगों को कर बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। अगर जांच कराई जाए तो उनसे ज़्यादा जनसंख्या इन लोगों का है जो लोग बोलते हैं। नहीं, एआईएमएम के विधायक भी कल कह रहे थे अख्तरुल इमान, फिर बीजेपी के विधायकों ने भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, तो ऐसे में आरजेडी का क्या स्टैंड? नहीं, सवाल है कि इस पर बड़े नेता तय करेंगे, इसमें सर्वदलीय बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक करके लोग विचार करेंगे इस पर क्या करना चाहिए। बीजेपी के अचानक कह देने से ऐसे कानून नहीं बने? नहीं, सवाल ही नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मर्दानगी वाली बात, इस तरह का बयान को आप सही मानते हैं क्या? देखिए, कौन कैसा बयान देता है उस पर हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन जो कुछ इस जनसंख्या के संबंध में जो लोग भी बयान दिया है वो अपना आपके यहाँ चले, उनका टीवी पर पेपर में छपे, उस इसलिए वो बयान देते हैं, उनके मनसा ठीक नहीं है और एक संप्रदाय के खिलाफ में विष भवन करने का काम करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है सर, आना चाहिए कानून? नहीं, ये कानून बनाना बड़े नेताओं का काम है और सर्वदलीय बैठक में ये तय हो कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। पहले तो हमारे नेता ने कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि किस जाति के कितनी जनसंख्या है, उस पर बहस होनी चाहिए। आज से नहीं, आज आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी उठाए थे इस मामले को, हमारे नेता तेजस्वी यादव भी इस बात को उठाया है। तो कह रहे हैं उठा रहे, तो करें तब ना पता चलेगा, पहले इसका होना चाहिए तब कोई बात होनी चाहिए। तो बहुत पुराना है, इस पर लोग अमल भी कर रहे हैं। इनको सिर्फ बहाना चाहिए, औंगते को ठेलते का बहाना। ये अभी चूंकि बंगाल का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है, इस तरह से करके के वोट पोलराइज करना चाहते हैं ये, और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान सबों का है, अकेले ये आरएसएस वालों का नहीं है, भाजपा वालों का नहीं है। हमारा भी खून बहा है, हमारा भी पसीना बहा है इसमें, इस मुल्क आज़ादी में। ये तो यूँ ही अगर इस तरह का काम ये नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को दो हिस्से में बांटने की साजिश है कि जब तक कॉमनलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा यहाँ राज रहेगा नहीं। इनकी ज़मीन खिसक रही है, आप देखा, अगर ये पिछली दरवाजे से अगर आने की कोशिश अगर नहीं करते तो सरकार इनके बनने वाले नहीं थी। सारा मीडिया जान रहा है, देश दुनिया जान रहा है कि किस तरह से इनकी हुकूमत बनी है। इसलिए बंगाल में कैसे ये इफेक्टिव हों, इसीलिए इन्होंने सोचा छोड़ा है। निहालुद्दीन विधायक रफीगंज, जनसंख्या नियंत्रण पहले उसी पर बोल रहे हैं, उसी पर कर रहे हैं। सरकार मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके घर में दो से अधिक बच्ची पैदा होती है तो उन्हें लाभ 50,000 का नहीं मिलेगा। पहले अपने, अच्छा, जिनको एक भी बच्चा नहीं है उनको कितना लाभ मिला? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो, कोई बात हुआ? कहने का मतलब यह सब कुछ नहीं है, असल ये है कि ये तो सिर्फ बहाना है, असल आसाम और बंगाल निशाना है। ये कॉमनलाइज कर करके यहाँ के वोटरों को चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा कर लें। इनकी ज़मीन खिसकी चली जा रही है, झारखंड देख लिया, दिल्ली देख लिया, बिहार देख लिया, क्या है उससे इनकार किसको है भाई? कौन नहीं कर रहा है? हम लोगों ने तो यही तो कहा है कि आप जो अभी जनगणना हो रहा है, सुनी बता रहे हैं, कानून तो बना हुआ ही है, कानून क्या बनेगा भाई? दूसरा थी कि हम लोग जो है जिस धर्म को हम लोग मानने वाले हैं वहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि अलग से कोई कानून बनाया जाए। कानून तो बना हुआ है, हर आदमी को इसका लिहाज रखना है। इस मुल्क के हम शहरी हैं, इस मुल्क के हम बाइजर शहरी हैं, हमको यहाँ के कानून को पालन करना है। मगर आप एक से एक कानून बनाते चले जा रहे हैं। ये अभी जो किसानों के विरुद्ध जो कानून लाया गया है, क्या सही है? इसके ऊपर भाजपा नहीं बोल सकती है?
100 दिन से ऊपर हो गया किसान रोड पर है, बाल बच्चे उसके रोड पर है, 250-300 आदमी मर गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये वो सब कुछ नहीं भाई मेरे, ये वोट की राजनीति है। हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके के यहाँ के और दूसरे वोटरों को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। ये सारा आरएसएस का और बजरंग दल का खेल है। जो आपको नहीं लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए? बिहार आज जमीन के मामले में लगभग 12वें नंबर पर है और कहीं ना कहीं हम आबादी के मामले में 3रे नंबर पर हैं। संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से हम तभी कर पाएंगे जब जनसंख्या पर हम नियंत्रण बना पाएंगे। लेकिन भाई वीरेंद्र का कहना है कि उससे पहले जाती, भाई वीरेंद्र जी क्या कहते हैं, भाई वीरेंद्र जी क्या समझते हैं, ये तो उनसे पूछना बेहतर होगा, इसमें हमारी राय लेना उचित नहीं।